गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पाठ भाषा पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा कितने तरह की होती है। तो शुरू करते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है। मतलब जैसे मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ रहे हैं। कैसे? मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये क्या है? ये भाषा है, ये विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसको बोलते हैं भाषा। अब दूसरी बात, भाषा कितनी तरह की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा का प्रयोग हम कब करते हैं? जब बोलते और सुनते हैं। यह दो व्यक्तियों के बीच में होता है, एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है, या फिर एक व्यक्ति बोलता है और बाकी सुनते हैं। तो ये क्या हो गया? दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में विचारों का आदान प्रदान करने का साधन होता है। और कौन सा? जब बोलना और सुनना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मौखिक। इसमें विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसको बोलते हैं मौखिक। आपकी पुस्तक में भी बच्चों, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से अपना नाम बता रहे हैं कि मेरा नाम अमित है, और दूसरा बच्चा सुनकर अपना नाम बता रहा है। फिर वो एक बच्चा अपने बारे में बता रहा है, क्या तुम इस गांव में रहते हो? हाँ, मैं पहली बार इस गांव में आया हूँ। तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, यानी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी? बोलकर और सुनकर, मौखिक भाषा का। इसी तरह से लिखित भाषा का प्रयोग कैसे होता है? पढ़कर, लिखकर। जब जैसे मैं अब आपको पढ़ के सुना रही हूँ, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। ये कैसे दिया जाता है? पत्र लिखकर। पत्र लिखना या पत्र लिखा हुआ पढ़ना, ये क्या है? भाषा का लिखित रूप। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों, भाषा के रूप, भाषा क्या होती है। आशा करती हूँ आपको भाषा अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।